ये गाइस आप लोग का मैं आज अंदर का शटर कट करने के लिए बताऊंगा कैसे कट किया जाता है कैसे नहीं कट किया जाता है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं, यहीं पर आपको पूरा प्रोसेस दिखेगा लास्ट तक, बस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। हाँ तो चलिए अंदर कटिंग करने के लिए शुरू हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर साइज़ देखा जा रहा है, उसके बाद वहाँ पर साइज़ रखा जाएगा, उसके बाद ये कट किया जाएगा अंदर का मटेरियल। देख सकते चलिए यहाँ पर साइज़ रखा जा रहा है, जितना साइज उतना साइज रखा जाएगा। इधर से दिखा दूँ ताकि आपको सही से पूरा दिख जाए, प्रोसेस सफा दिख जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर रख दिया गया, अब यहाँ पर ये पीस उठा लिया जाएगा, उसके बाद कटिंग किया जाएगा। हाँ तो इसको देख सकते हैं कितना लंबा लेंथ रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ लंबा तक है। उसके बाद देख सकते हैं इसका कटिंग किया जाएगा। थोड़ा ज़्यादा दूर से दिखा दूँ ताकि आपको पूरा दिखे, थोड़ा तो सकता है आपका पूरा सफा सफी दिख रहा होगा। यहाँ पर देख सकते मशीन ऑटोमेटिक पूरा काम करता है यहाँ पर। हाँ तो यहाँ पर कटिंग किया जा रहा है, देख सकते कैसे कट किया गया पीस। अब इसको नापा जाएगा बराबर है कि नहीं साइज, तो सकते यहाँ से टेप रख दिया गया, यहाँ से टेप देखा जा रहा बराबर है कि नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर बराबर रख दिया गया। फिर से यहाँ पर कटिंग किया जाएगा, फिर से हाँ तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर से दूसरा पीस कटिंग किया जा रहा है। इसका चार पीस चाहिए, इसीलिए चार पीस कट करेगा, उसके बाद अगला प्रोसेस के लिए जाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसका दूसरा भी कट कर दिया गया, अभी और दो पीस कट किया जा रहा है उसको, दो पीस कट कर यहाँ पर फिर रख दिया गया, अभी दो पीस और कट किया जाएगा। इसका भी दो पीस कट कर दिया गया, अब हो चुका है चार पीस। उसके बाद इसमें नंबर लिखा जाएगा जिसका है ये, अब निकाल लिया जाएगा। इसका चार पीस भी कटिंग हो चुका है, अब इसमें नंबर लिखा जाएगा। उसी तरह कट पीस डाला जा रहा है उसमें, अब इसमें नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद अगला प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा। उसका टच लॉक ये लॉक कट किया जाएगा। हाँ तो देख सकते हैं इसमें नंबर लिखा जा रहा है जिस आदमी का, उसका देख सकते हैं उसका नाम नंबर लिखा जा रहा है ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। ये लॉक सेट कर दिया गया, वहाँ भी आपका प्रोसेस दिखाऊंगा इसमें क्या क्या होता है वहाँ पर, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देख सकते हैं यहाँ पर नंबर लिख दिया जा रहा है इसमें, उसके बाद मार्किंग किया जाएगा टच लॉक का ये, उसके बाद कटिंग किया जाएगा इसका लॉक, उसके बाद यहाँ पर वेल्डिंग करने के लिए प्रोसेस में चला जाएगा। ऑलरेडी पहले से दूसरा वेल्डिंग हो रहा है यहाँ पर, बहुत सारा वेल्डिंग करने के लिए रहता है इसीलिए कोई। हाँ तो इसका मेजरमेंट ऐसा नापा जा रहा है, देख सकते कितना इंच है, उसका आधा डिवाइड में बांट लिया जाएगा। उसको डिवाइड में बांटने के बाद सेंटर में मार्किंग कर लिया जाएगा, उसके बाद अगला प्रोसेस के लिए वहाँ लॉक सेटिंग हो रहा है, यहाँ पर वेल्डिंग हो रहा है, फिर उसको हटा दिया जाएगा, इसको वेल्डिंग किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ तो देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर मार्किंग किया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं एमएम मार्किंग किया जा रहा है। अब इधर से नाप लिया गया, आप लोग देखे होंगे कितना, अब उधर से नापा जाएगा बराबर है कि नहीं, आपको कैमरा में दिख जाएगा। अब वो साइड से भी नापेगा, देख सकते हैं आप लोग का दिख रहा होगा बराबर है कि नहीं, 520 है उधर, उधर से नापा जाएगा कितना है, देख सकते हैं 520 400 को मार्किंग कर लिया गया। अगला प्रोसेस के लिए इसको मैं उधर पहुँचा दूंगा, उसके बाद देख सकते हैं उसको मैं लॉक कट किया जाएगा, वहाँ पर चेक कर लिया गया है, ये प्रोसेस यहाँ पर रख दिया गया है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर लॉक कट करने का मैं भी दिखाऊंगा कैसे लॉक कट किया जाता है, देख सकते हैं उसका लॉक कट किया जा रहा है यहाँ पर।